जो एक महीने से बंद पड़ा था यार, मतलब मैं परेशान हो गया था। सो ये जो की आई है इसके अंदर, की इज लाइक अ ओटीपी, तो मैं इसको डालूंगा इसके अंदर और दोबारा से दिन की शुरुआत इस कॉफी के साथ ही होती है, इस कोल्ड कॉफी के साथ। और ये स्पेशल वाली कोल्ड कॉफी है, स्पेशल पता क्यों है? स्पेशल ये इस करके है क्योंकि मेरे घर पे जो मेरी भाई की बेटी है हरले कौर, वो डेली का डेली एक ना एक किंडर जॉय लेकर आती है। और किंडर जॉय के अंदर से सिर्फ टॉय निकालने का शौक है, चॉकलेट खाने का बिल्कुल शौक नहीं। चॉकलेट उसने आज तक कभी नहीं खाई। चॉकलेटें जितनी भी होती है ना, मैं सुबह अपने डेली जो कॉफ़ी पीता हूँ ना, उसके अंदर चॉकलेट को ऐड कर लेता हूँ और मज़ा आ जाता है। मतलब फ्लेवर ही डिफरेंट वाला हो जाता है। फ्लेवर डिफरेंट इस करके हो जाता है क्योंकि उसके अंदर वाइट चॉकलेट भी चली जाती है और डार्क चॉकलेट भी चली जाती है। बट मैं कॉफ़ी को इन्जॉय करता हूँ फटाफट। एक नंबर है। ओ भाई साहब, इस टाइम पे वेदर हो रहा है एक नंबर का गजब, क्योंकि कल रात से हो रही है बारिश। और दिल्ली के अंदर भैया कौन कहता है कि बारिश नहीं होती है, दिल्ली के अंदर काफ़ी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो दिल्ली के अंदर भी कल रात से बारिश हो रही है और वेदर अल्टीमेट हो रहा है। ये वेदर वैसे हम सबको भी बहुत अच्छा लगता है और एनिमल्स को भी बहुत अच्छा लगता है, बट फेस करना पड़ता है जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं या जो ये स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीट बर्ड्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, इनको यार अपने आप को बचाने के लिए ना यार जगहें ढूंढनी पड़ती हैं, अपने आप को सेव करना पड़ता है। तो यार इन सब चीज़ों को, मतलब इन लोगों को थोड़ी सी यार ऐसी वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, बट हम सबको थैंक यू करना चाहिए क्योंकि बाबा जी ने हमारे को रोटी कपड़ा और मकान दिया हुआ है। तो यार मतलब हम अपने आप को ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम हर चीज़ के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। सो बाबा जी का, हम सबको अपने भगवान का, हम सबको थैंक यू करना चाहिए। किसी को थोड़ा दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, ये तो सब चलता रहेगा, अपनी अपनी मेहनत के ऊपर है। मेहनत करोगे तो अपने आप अपने सारे सपने पूरे हो जाएंगे। एंड बाबा जी का थैंक यू भी करते हैं कि बाबा जी ने सारी कुछ दिया हुआ है। सो इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, की हालचाल, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फिर बारिश हो रही है, हैं? बारिश के मजे लूट रहे हो, हैं? बारिश के मजे लूट लिए तुमने? ये बड़ी प्यारी है, ये अकेली फीमेल है, बाकी सारे, अच्छा ये भी फीमेल है, मैं भूल ही गया था। ओहो ओहो, तो भैया ये सुबह सुबह डेली आ जाते हैं कि भाई भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तू पहले चूचू कर ले, है ना भाई, भूख लगी है, खाने को दे दो, बाकी बारिश हो रही है। ओए भागो यहाँ से, चलो भागो, पापा आवे मार पड़ेगी, चलो भागो, पापा आवे मार पड़ेगी, भागो। ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ना, कपड़े गंदे हो जाएंगे मेरे, पता है मेरे को बारिश हो रही है, तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हारे को जगह चाहिए अब, है ना। ओए भाई मेरे भाई ऊपर नहीं चढ़ना, कपड़े गंदे हो जाएंगे मेरे यार। क्या चाहिए तेरे को? हाँ तेरी फोटो खींच ली मैंने, देखो ये कह रहा है कि मेरे को भी यूट्यूब चैनल पर आना है और मेरी भी थोड़ी सी वीडियोस बनाया करो, क्योंकि यार तुम अपनी वीडियोस बनाते रहते हो, मेरी वीडियो नहीं बनाते, साले पापा देख लेंगे ना, मारेंगे मेरे को पकड़ के। A few inches later. हाँ जी रेडी हो जाइए, फिर आइए यार, आइए, थोड़ा अंधेरा है, बस थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा और हम मैनेज करेंगे। बिल्कुल सर, पहले आप जाओ, हम तो यही रुकेंगे, आप पहले निकल जाओ। सो देखो भाई, देखो वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और क्या क्या नहीं बदल गया मेरे को भी नहीं पता। एक्चुअल में ये बड़ा मस्त वाला डायलॉग होता है, इस पिक्चर में देख रहा था मैं, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, इंसान बदल गया, मैं बदल गया, आप बदल गए, नहीं हम दोनों एक जैसी है। अरे देखो यहाँ तो कोरोना है ही नहीं है, कौन कहता है कोरोना है, तभी तो कह रहे हूँ मैं वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लोग बदल गए, बट हम वही है, हम कहीं नहीं जाएंगे, है ना। मैं तो देख के लग रहा था यार, एक बार दोबारा से चेक करो यार, जरा देखो यार एक बार, मतलब कौन कहता है कि हम कोरोना वाली कंट्री में रहते हैं, हमारी कंट्री में, हमारी सिटी में कोई कोरोना नहीं है। ओ भाई बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है खाने पीने के ऊपर, मतलब देखो एक एक दुकान पे ना कैसे कैसे लोग खड़े हुए हैं और कैसे कैसे खा रहे हैं, कैसे कैसे चल रहा है, मतलब ये नहीं दिखा रहा कैसे खा रहे हैं, बट मैं दिखा रहा हूँ कि देखो रश कितना है। ओहे ओहे, देख के तो यार मेरा भी मन कर गया, क्योंकि मैं ठहरा एक नंबर का, चेटू बोलोगे चटोरा बोलोगे, मतलब जो आपको ठीक लगे वो बोल देना, बट हूँ तो मैं बस वही वाला चटोरा ही हूँ। तो यार मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कुछ खा लूँ, बट यार ये खाने का मन नहीं है। अब मेरा खाने का जो मन है ना, मेरा खाने का मन है कुछ बर्गर शर्गर वाली चीज़, तो वही चलते हैं, है ना भाई। तो भैया हम दोबारा से आ गए हैं आज फिर से मोती नगर। यार यहाँ पे ना मतलब खाने पीने की ना यार बहुत वैरायटी हो गई है यार, हमारे मतलब मेरे घर के पास नहीं मिलती,
क्योंकि देखो यहाँ पर है कुमार समोसे वाला, वैसे इस टाइम पे दुकान बंद है। इसके बाद भैया बहुत समोसे की वैरायटीज़ होती है, मतलब इतनी वैरायटी मैंने कहीं नहीं देखी। और दूसरी दुकान है ये बी जेट की बजट बाइट्स, सो बजट बाइट्स पे चलते हैं। सरदार जी ऐसे दिख रहे हैं खूब खाने पीने वाले, बाकी चलो मेरा मन यही है कि हम बजट बाइट पे ऑयल फ्री ग्रिल चाम, KFC चाम, मीडियम पिज़्ज़ा, शरण मोमोज, बर्गर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इन्हीं सब चीज़ों को ट्राई करते हैं। भैया की स्पेशल है यार अपने को? मेरे को इस टाइम पे पनीर शोरमा रोल है। हाँ जी। और स्पाइसी पनीर रैप है। हाँ, पनीर कुरकुरे मोमोज है। ओके। उसके अलावा स्टफ गार्लिक ब्रेड है। हाँ जी। कुरकुरी चाँप है। कुरकुरी चाँप है, ओके। KFC स्टाइल है। एक ना कुरकुरे मोमोज कर दो, एक फ्रेंच फ्राइज कर दो, चीज वाली और एक चीज और रहेगी स्टफ गार्लिक ब्रेड कर दो। तीन चीज़ा कर दो, पहले आज मैं थोड़ी तीन चीज़ें ट्राई करा ना, फिर वधिया लगेगी, तो फिर उस तो बाद दोबारा फिर आवाँगा। तो गाइस मैंने तीन चीज़ें ली हैं यहाँ पर। एक मैंने लिया है गार्लिक ब्रेड, एक मैंने लिया है आपका कुरकुरे मोमोज पनीर वाले, और एक मैंने लिया है आपका चीज़ फ्रेंच फ्राइज। इसका प्राइस है 95 रुपीज़, इसका प्राइस है 100 रुपीज़, और इसका प्राइस है 100 रुपीज़। गार्लिक चीज़ गार्लिक ब्रेड है, इसके अंदर पनीर की फिलिंग हुई हुई है। ये हमारा पनीर मोमोज है, कुरकुरे पनीर मोमोज है, और ये अपनी चीज़ फ्राइज। तो प्राइस वगैरह बहुत रीज़नेबल है, प्राइस बिल्कुल मतलब प्रॉपर, जैसे दुकान का नाम है ना बजट बाइट, तो उसके हिसाब से सूटेबल चीज़ है। सो मैं इसको इन्जॉय करता हूँ और उसके बाद फिर आपको मिलता हूँ, ठीक है भैया। टेस्ट बहुत बढ़िया है तीनों चीज़ों का, मज़ा आ गया खा के। क्या क्या डाला हुआ अपनी इंजन में? वैसे इसमें हमारा कुछ तो देखो चीज़, जैसे चीज़ साइज है उसमें तो चीज़ ऐड है, चीज़ होगी उसमें। उसके अलावा जो हमारी स्टफ गार्लिक ब्रेड है उसमें हमारे कुछ सीक्रेट फ्लेवर्स हैं। अच्छा। और उसके बाद चीज़ उसमें तीन तरह की डाली हुई है हमने। मैंने तीनों चीज़ें ट्राई करी है, मेरे को तीनों चीज़ें बिल्कुल मतलब खा के मज़ा आ गया, डिफरेंट टेस्ट मिला है मेरे को, पता लग रहा है कि आपकी कुछ डिफरेंट रेसिपी है। थैंक यू भैया। चलो बढ़िया भैया। भैया आपने क्या ऑर्डर किया है? पनीर मोमोज। पनीर मोमोज ऑर्डर किया है, तो उसकी वेट कर रहे हो? कुरकुरे मोमोज है। कुरकुरे मोमोज, तो ये दोनों बच्चे भी यही खाएंगे? इनको यहाँ का ही प्रेफर्ड लगता है। अच्छा, टेस्ट लगता है। कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे भैया के पास? हाँ, तो पास 1 ईयर से आगे हो गया 1 ईयर से, किसी की तो बात ही नहीं है। चलो सही है भैया, बढ़िया। मई बंदा बहुत खराब है, मई मतलब मैं है, अरे मैं बंदा बहुत ही ज़्यादा वाला ख़राब हूँ, मतलब यार ये सारी चीज़ें देख के ना इधर से आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ टू ईट ऑल दीज थिंग्स, मतलब यार मेरे से रहा ही नहीं जाता, तो मैं खा लिया। रोज वाली बात, वही सेम बात कि मैंने खा लिया, थोड़ा थोड़ा बचा, ज़्यादा बचा नहीं है, जूठा है वो सारा, बट मैंने पैक कर लिया और पैक करके घर ले जाऊँगा, घर जाके खुद ही खाऊँगा, किसी को दूंगा नहीं, क्योंकि भैया जूठा है। Many months later. भाई साहब, मतलब यार मैं 1-1.5 महीने से इतना ज़्यादा वाला परेशान था ना, सिर्फ इसकी वजह से। ये क्या चीज़ है? ये है गूगल एडसेंस, जो ये आपको एक की सेंड करते हैं आपके घर के एड्रेस पे, और उससे होता है आपका एड्रेस एंड आपका अकाउंट वेरीफाई। सो ये जो की आई है इसके अंदर, की इज लाइक अ OTP, तो मैं इसको डालूंगा इसके अंदर और दोबारा से, मतलब पहले भी मेरा यार वैसे चैनल मोनेटाइज हो चुका था, बट स्टिल अब दोबारा से मोनेटाइज हो जाएगा, जो 1 महीने से बंद पड़ा था यार। मतलब मैं परेशान हो गया था कि वीडियो चल रही है, लाइक आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, बट पैसे नहीं आ रहे। पैसे ज़्यादा नहीं आते हैं, पैसे रोज के 20-30-40 रुपये आते हैं, बट स्टिल जो आता है आने दो, क्योंकि जट पैदा होया है कमाउन वास्ते, छाना तो है ही है बट कमाना भी तो है भाई, कमाएंगे नहीं तो फिर बाइकें कैसे लेंगे, H2 कैसे लेंगे, और घूमने कैसे जाएंगे, बाकी के सारे काम कैसे करेंगे। तो यार ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा वाली ज़रूरी है, जो आज आ गई है मेरे घर पे, तो इसको मैं सबसे पहले डालूंगा इसके अंदर, और उसके बाद इस ब्लॉग को एडिट करके अपलोड करूंगा, मतलब ये बाद में आएगा भाई, पहले ये वाला काम होगा। तो आई होप आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी इन एनी रीज़न, तो गिव्स अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो don't forget to press the bell icon so that you should get the notification of my
नेक्स्ट वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।